जय भीम। आज पुणा कैंटोनमेंट विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हुलगेश चलवादी यह विधानसभा के चुनाव में उतरे हैं। उनसे जानेंगे आगे की उनकी रणनीति और उसी क्षेत्र में उनका क्या क्या आगे का सिलसिला क्या है, उनसे अपन जानेंगे। जय भीम सर। जय भीम सर। सर, आप विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, आज पहले नगर सेवक थे, आपके राजनीति का आपको ज़्यादा अनुभव है और आप अभी जो इस चुनाव में उतरे हैं तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे? पहली हमारी मुद्दा है संविधान की रक्षा, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति, ये हमारा मुद्दा है पार्टी का और इसी को लेकर हम चल रहे हैं। और यहाँ पे कैंटोनमेंट मतदार संघ में बड़े पैमाने पे बुद्धिस्ट और कॉस्मोपॉलिटन लोगों का यहाँ पे रहवास है और ये मुद्दे से यहाँ पे डेफिनेटली परिवर्तन हो सकता है। किस विषय को लेकर आप यहाँ पर चुनाव में, अभी विषय कौन सा, अभी यहाँ उस क्षेत्र में जो विकास कौन सा बाकी है, उसी क्षेत्र में पहले जो विधायक थे उन्होंने जो कुछ काम उनका अधूरा है या उनके काम से कोई जनता नाराज है, तो कौन कुछ विषय लेकर आप ये विधानसभा में अभी काम करने वाले हैं? कैंटोनमेंट ये क्षेत्र एससी के लिए आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पे जो इसके पहले के जो विधायक थे जिन्होंने यहाँ के जनता के लिए बहुत कुछ करना था, पर जब मैं आप ये चुनाव क्षेत्र में प्रचार के माध्यम से जा रहा हूँ, मैं पहले ये देखा कि वहाँ पे कुछ भी काम हुआ नहीं है। जनता की दिशा भूल करा है हुआ है वहाँ पे पहले सबसे बड़े मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे सबसे बड़ा कोई सवाल है तो ट्रैफिक का सवाल है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का समस्या छूट सकता था, बट इन विधायकों ने इसके पहले के उन्होंने कोई वहाँ पे उसके ऊपर नियोजन किया नहीं है। और दूसरी मुद्दा है इस चुनाव क्षेत्र में है कि सबसे बड़ा कि झोपड़पट्टी वासियों के लिए और जिनको निवारा नहीं उनको अपना घर जो गवर्नमेंट का स्कीम में से हो सकता है उसके लिए इन्होंने कोई प्रयास किया नहीं है। और इससे बढ़कर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को शिक्षा ये सबसे बड़ी देन हमारे लिए दी है, उसका इन लोगों ने बहुत सारा कुछ करना था वहाँ पे। इन्होंने देखिए इस चुनाव क्षेत्र में सेंट विंसेंट, सेंट फेलिक्स, बिशप्स, ऐसे बड़े बड़े स्कूल्स है, पर यहाँ पे हम परिवर्तन कर सकते थे। यहाँ पे जो सरकारी स्कूल्स है और पुणे म्युनिसिपल के स्कूल्स है इनको भी हम उसी तरह बनाकर यहाँ की जो हमारे गरीब जनता है उनके बच्चों के लिए अच्छा शिक्षण दे सकते थे, पर इन्होंने उससे कुछ किया नहीं है। इसी चुनाव क्षेत्र में रुबियान जैसे हॉस्पिटल है, रुबियान है, जहांगीर है, एनएम वाड़िया है, केएम है, इलेक्स बुदरानी है, ये इसी के धरती पे हम लोग इसी चुनाव क्षेत्र में ससुन हॉस्पिटल है, ससुन हॉस्पिटल में ये सुविधा देकर हम जनता को जो उसी दर्जे का यहाँ पे हम ट्रीटमेंट दे सकते थे फ्री ऑफ चार्ज में, बट इसके और उन्होंने कभी ख्याल नहीं दिया। आज आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा इस देश में बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से जहाँ की इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ है, तिलक मुक्त विद्यापीठ है
और उस्मानिया मुक्त विद्यापीठ है, पेरियार यूनिवर्सिटी है, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। ये लोग जो हमारे जो गरीब महिला है, जो 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th फेल है, इन लोगों के लिए यहाँ पे ये लोग ग्रेजुएशन का ग्रेजुएशन करा सकते थे, पर इसके तरफ भी उन्होंने ख्याल नहीं दिया। इस क्षेत्र में बहुत सारा युवकों के लिए कुछ कर सकते थे, पर इन्होंने उसके लिए भी नहीं किया। अब हमारा एजेंडा है सबसे पहले कि इस चुनाव क्षेत्र में हम पहले ट्रैफिक का सवाल छुड़ाएंगे। ट्रैफिक पूरी तरीके से नियोजन कर हम लोगों को टाइम पे घर पहुंच सके, टाइम पे ऑफिस पहुंच सके, इसके लिए हम काम करें। उसके बाद आपको बोला मैं ससुन जो हॉस्पिटल है उसको रुबियाल के दर्जे पे बना के लोगों को मुफ्त में वहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, इसके लिए प्रयास करूँगा। और बच्चों के लिए भी आपको मैं कहा कि जो सरकारी स्कूल्स है वो बिशप और सेंट विंसेंट के दर्जे के अनुसार मैं बनाऊंगा, जहाँ पे हर बच्चा एक अपने आप को प्राउड फील करेगा। हमारे सरकारी स्कूल भी सेंट विंसेंट, सेंट हेंस, इनसे कुछ कम नहीं है। इस प्रकार का मैं वहाँ पे प्रयास करूँगा। उसके बाद रोजगार का जो बात है, स्वयं रोजगार का बात है, यहाँ पे बहुत सारे आईटी पार्क्स है, यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स है, यहाँ पे बहुत सारे जो प्राइवेट यूनिट्स है जिसमें मैं लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करके दूंगा। और उसके साथ मेरा पहला नारा है हक्का चा घर बोल के, हमारे मराठी में कहते हक्का चा घर, मैं हर झोपड़पट्टी वासियों के लिए और जिसको निवारण है उसको देने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। और सबसे बड़ा मेरा एजेंडा है आज इस देश का संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है, उस संविधान का रक्षा करने के लिए मेरा सबसे पहले आवाज रहेगा। इस प्रकार से मेरे सभी साथी बीएसपी के जो भी सब पदाधिकारी मेरे साथ काम कर रहे हैं, अब जुटकर लोगों में जा रहे हैं और यहाँ पे कैंटोनमेंट ये चुनाव क्षेत्र में आज महाराष्ट्र में एक इतिहास हो जाएगा। यहाँ पे बाबा साहब का नीला झंडा और बाबा साहब ने का जो चुनाव हाथी है ये 21 तारीख को यहाँ पे चुनकर आएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है और हमारे पूरा कार्यकर्ता और जनते का हमारे को पूरा समर्थन है। और डेफिनेटली हम जो कांशीराम साहब ने जो उनका शुरुआत पुना से किए थे, पुना से ये सीट लाकर हम बहन मायावती जी को हम तोहफा देंगे, ये कहते हुए भाई हमारे लॉर्ड बुद्धा चैनल के जो हमारे यहाँ पे आए हुए मंडली को मैं हमारे बहुजन समाज पार्टी के ओर से धन्यवाद कहता हूँ। सर आपने आप जो अभी विधानसभा क्षेत्र में सभी तरफ घूमते हैं, आप प्रचार फेरी में जाते हैं, तो आप किन किन लोगों से आप मिले हैं, कैसे कैसे आपको जो प्रतिशत क्या है, आपको किन किन लोगों ने अपने आपके साथ बात हो गई जो यहाँ पर कैंटोनमेंट एरिया कैंप में बुद्धिस्ट एक ज्यादा है, कहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरी ज्यादा है, कहाँ पर मातंग समाज ज्यादा है, तो ऐसे आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आपको क्या क्या कैसे आपके साथ कौन कैसे आते, ये थोड़ा सा विस्तार बताएं। सर कैंटोनमेंट चुनाव क्षेत्र में सबसे बड़ा समाज बुद्धिस्ट समाज है, ये तो बहुजन समाज पार्टी का बेस है जिसके ऊपर बहुजन समाज पार्टी आज प्रस्थापित हुई है। और यहाँ पे जब मैं चुनाव के रैली के दरमियान जा रहा हूँ तो यहाँ पे इस चुनाव क्षेत्र में दूसरे हमारे मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज को भी चेंज चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मुस्लिम समाज यहाँ पे इसके पहले जो भी विधायक थे उनसे, उनके काम से और उनके बर्ताव से सभी लोग असंतुष्ट है, तो इसलिए उनको चेंज चाहिए। उनके सामने एक ही पर्याय दिख रहा है तो वो बहुजन समाज का। तो रही बात मातंग समाज, मातंग समाज भी शाहू फुले अंबेडकर विचारधारा की है, वो भी हमें पूरा समर्थन दे रहे। और रही बात अल्पसंख्यक समाज जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन भी आज पूरे पैमाने से बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और इस चुनाव क्षेत्र में साउथ इंडियन जहाँ पे कन्नड़ समाज बोलो, कन्नड़ भाषिक बोलो, तमिल भाषिक बोलिए, तेलुगु भाषिक,
और मलयाली भाषी ये और बंगाली ये सभी लोग यहाँ पे एक विश्वास है कि ये पार्टी हमारे लिए कुछ कर सकती है, इससे ये भी समाज जुड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है हमारे इस क्षेत्र में सबसे बड़ा समाज अभी वाल्मीकि समाज भी है। ये वाल्मीकि समाज ने तो निश्चय किया है कि इस देश को अभी कोई ताकत दे सकता है तो बहन मायावती ही दे सकती है, तो ये समाज भी जुड़ गया है। और रही बात जो और सारे जो भाईचारा है, भाईचारा कमेटी है, जो हमारा सिंपी समाज है, हमारे परदेशी समाज है, हमारे राजपूत समाज है, ये सारे बहुजन समाज पे विश्वास करके सभी समाज, मैं यह कहूँगा ये एक कॉस्मोपोलिटन क्षेत्र है जहाँ पे सभी समाज जुड़ते जा रहे हैं। और इससे यहाँ पे मैं कहूँगा और ये समाज में विविध संगठन भी है जो, और महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ी संगठन ये भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ का एक संगठन है। ये संगठन ने पूरे तरीके से हमको जाहिर पाटिंबा दिया है, तो इससे तो मुझे आज ही यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा ये महाराष्ट्र में जो बाबा साहब अम्बेडकर का हाथी जो निशानी है और बाबा साहब का नीला झंडा है और बीएसपी का पहला सीट ये कैंटोनमेंट से चुनकर आएगा, ऐसा मुझे जनता का आवाज से दिख रहा है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा 21 तारीख को 21 अक्टूबर को सवेरे 7 बजे से शाम को 5:30 बजे तक आप सब मेरे सभी मतदार भाइयों और बहनों से मैं यहाँ पे अपील करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ और वो सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी उस दिन सोमवार के दिन आप लोग सभी फिर से सभी को मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग बहुजन समाज पार्टी के जो निशानी हाथी है ये ईवीएम मशीन पे 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे हाथी निशानी के साथ सामने वाले बटन दबाकर ये मत डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की हाथी और नीला झंडे को आप देंगे, ऐसा मैं विश्वास और आशा आप लोगों से रखता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।